अभी कर्नाटक दौरे पर हैं। देखा जाए तो राहुल गांधी कर्नाटक के चुनाव में जुट चुके हैं। इसी के साथ साथ राहुल गांधी की जल्द ही संसद सदस्यता वापस आने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट का रुख राहुल गांधी कर चुके हैं और हाई कोर्ट में बस सुनवाई की देरी है और सुनवाई के दौरान उन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी। सूरत कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी लेकिन ना उम्मीद हो गए। उसके बाद यहाँ पर पटना कोर्ट से भी यहाँ पर याचिका दाखिल करते हुए नजर आए थे। सुशील मोदी ने उनके खिलाफ याचिका दर्ज की थी लेकिन इसके उन्होंने कहा था कि बार बार उपस्थिति पेश नहीं कर पाएंगे वो कोर्ट में, पटना कोर्ट में, इसलिए यहाँ पर उन्हें थोड़ी राहत दी जाए। तो पटना कोर्ट से मई तक के लिए यहाँ पर राहुल गांधी को राहत मिल जाती है, लेकिन कर्नाटक में राहुल गांधी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और अडानी मुद्दे पर यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव में खुलासा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोरों की पार्टी है। यहाँ पर जब कर्नाटक में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी तब भी वो ईमानदारी से यहाँ पर दिखाई नहीं दी थी और अपने बलबूते पर उन्होंने चुनाव नहीं जीता था, तो इस बार भी वो चुनाव जीतती हुई नजर नहीं आएंगी, ये साफ तौर पर उनका बयान था। अब ऐसे में राहुल गांधी तमाम तरीके से अडानी मुद्दे को लेकर जेपी से जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस संसद में तो यहाँ पर आवाज उठा रही है बल्कि सड़क तक भी देखी जा रही है। देखा जाए तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं सकती, तमाम तरीके से खुलासे करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी अडानी मुद्दे को लेकर कर्नाटक में भी हल्ला बोल रहे हैं। कांग्रेस बखूबी जुट चुकी है कि अब कर्नाटक का चुनाव जीत कर ही रहना है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राहुल गांधी कर्नाटक में मौजूद हैं और इस रैली के दौरान वो काफी कुछ खुलासे करते हैं। अडानी पर जेपीसी जांच की मांग करते हैं, 20,000 करोड़ रुपए उस कंपनी में किसने लगाए इसकी मांग करते हैं, जनता का पैसा कब सरकार वापस करेगी इसकी मांग करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर कर्नाटक में 40% कमीशन के तहत कैसे सरकार चलती हुई नजर आ रही है इसका भी खुलासा करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। इन्होंने सरकार बनाई, पिछली सरकार ये भी इनकी नहीं थी, हिंदे सरकार ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಇವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಯೇ ಭೀ ಚೋರಿ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಥಿ, ಇದು ಸಹ ಕಳ್ತನದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ, मतलब वोट किसी और को दिया, पैसा देके खरीद लिया, सरकार बना दी, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವೋಟ್ ಬೇರೆವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಬಿಜೆಪಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಇನ್ಕಾ ಎಂಎಲ್ಎ ಕಹತಾ ಹೈ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾ ಎಂಎಲ್ಎ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ 2,500 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾ ಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಖರೀದಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಇವರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 2,500 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ಲಬ್ आपके भविष्य की कीमत बीजेपी के मुताबिक 2,500 करोड़ रुपए. अदर अर्थ निम्म भविष्य निर्धार ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು भारतीय जनता पार्टी 2,500 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ मुख्यमंत्री ಆಗತಕ್ಕಂತವರು. इनको ये 40 नंबर अच्छा लगता है. ಇವರಿಗೆ 40 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. इस बार 40 ಸೀಟೇ दे देना इनको. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ 40 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. राहुल गांधी साफ तौर पर जाहिर करना चाहते हैं कि चुनावी मैदान में वही उतरेंगे और कर्नाटक का चुनाव उन्हीं की बदौलत देखा जाएगा। यहां पर राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और जल्द ही यहां पर संसद सदस्यता पाकर चुनाव जीतते हुए भी दिखाई देंगे। देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को थोड़ी राहत दे रखी है कि आप यहाँ पर अपनी संसद सदस्यता वापस ले लीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी के हक में चुनाव आयोग, राहुल गांधी के हक में अभी हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता कब तक वापस आती, क्योंकि आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के साथ वो चुनावी मैदान में उतर पाएंगे। अब जुट तो चुके हैं लेकिन इंसाफ पाने के लिए और वाकई यहाँ पर जीतने के लिए राहुल गांधी को बहुत जरूरी हो जाता है संसद सदस्यता वापस पाना। अब ऐसे में कर्नाटक दौरा कर रहे हैं अडानी, जेपीसी जांच कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हार की सच्चाई का बताते हुए नजर आ, तमाम तरीके से खुलासे कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।